गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं हूं नगमा दिल्ली से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और स्वागत करती हूं आप सभी का ओपी टीम चैंपियंस के इस वंडरफुल सेशन में। जैसा कि आप नाम भी देख रहे होंगे, ऊपर टॉप पर लिखा आ रहा है 5G टेक्नोलॉजी। और अभी थोड़ी देर पहले मुकेश सागर सर बात भी कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अभी इसी साल के एंड तक हम और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। और हम लोगों को लकी फील करना चाहिए कि हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि रीसेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम भी कंपनी के साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जब आपने 5G सुना होगा तो आपके माइंड में वो सारी चीजें आई होंगी कि जब हमारे पास टेलीफोन आया था, फिर मोबाइल फोन आया, पहले हम कॉल कर सकते थे, फिर टेक्स्ट भेज सकते थे, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, हम लोगों ने डेटा स्टार्ट किया यूज करना, और उसके बाद वीडियो कॉलिंग, और अभी हम देख रहे हैं, अब हम स्पीड पर आ चुके हैं कि हमें और भी ज्यादा स्पीड चाहिए। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी का नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिससे कि हमारे सारे काम आसान भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आज के जो हमारे स्पेशल प्रेजेंटर हैं, हर बार की तरह जब किसी भी चीज़ के फायदे के बारे में बताते हैं तो उससे होने वाले डिसएडवांटेजेस की और भी लेकर जाते हैं, तो वो आज का जो टॉपिक है उसको भी बखूबी निभाएंगे और हम तक जो भी इसकी बेसिक नॉलेज से लेके अभी तक का चल रहा है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्वाइट करते हैं हमारे आज के स्पेशल प्रेजेंटर मिस्टर मुकेश सागर सर को। वेलकम मिस्टर मुकेश सागर सर। थैंक यू नगमा मैम, थैंक यू फॉर वंडरफुल होस्टिंग, और वेलकम करता हूँ यहाँ पे जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, अटेंडीज हैं। देखिए, आज जो आज का टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी, मैं जितने भी टॉपिक कोई लेता हूँ तो मतलब जब आपके हाथ में मोबाइल है, आप हमेशा यूज करते हो, बहुत जगह नाम सुना होगा 5G 4G और ये जी, तो जनरली मेरा ये टॉपिक लेने का रीजन सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा उसके बारे में जानने की फंक्शनिंग कैसे होती है, वर्क कैसे होता है। हालांकि इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उसके बारे में नॉलेज अगर रखो टेक्नोलॉजी के जमाने में है तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हमारे अगर ऑन पैसिव की बात की जाए यहाँ पे, तो ऑन पैसिव के जितने भी हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट हैं, इवन आप अगर ओ कनेक्ट की बात कीजिए, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी वफरिंग होती है, ये होता है, ऐसा होता है, वो सब भी यहाँ पे स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि इंटरनेट की क्या स्पीड आ रही है, क्या आपका डेटा, आपका जो भी आपका रिसीव सेंड रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज हो रही है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो इसका इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से जो 5G में किस तरीके से जो हमारे एडवांस चीजें आई हैं, तो उसको समझने के लिए पहले बेसिक समझना पड़ेगा एकदम। तो बेसिक देखिए, बहुत पहले आपके लोगों के पास सबके हमने देखा होगा, हमारे पास टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे सिंपल चीज थी, हम जो कॉल करने के लिए, हम जब किसी को अगर नंबर डायल कर रहे हैं, डायल लैंडलाइन फोन से डायल कर रहे हैं, तो हम अगर साउंड जो करते हैं, साउंड वो हमारे एक जो बोल रहे हैं हम, वो एक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे घर के बाहर अगर जो एक छोटा सा बॉक्स लगा होता था वहां पे जाके, वहां के बाद वो एक्सचेंज टेलीफोन जो एक्सचेंज जिसे हम बोलते थे, वहां पे जाता था। वहां जाके अगर जैसे कि मैंने दिल्ली से अगर मुंबई नंबर लगाया है, तो मुंबई नंबर लगाने के लिए वहां से उस हमारे देखिए जो भी चीजें ये सब वायर्ड है हमारे, अभी हम वायरलेस में आ गए हैं, तो ये वायर्ड सब चीजें थी, सब मतलब हमारे जितने भी सब जगह वायर लगा हुआ था, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ऊपर हो, बहुत पहले देखा हुआ मतलब वायर ऊपर रहते थे, वो बहुत पहले की आई थिंक 80s 90s 80s की बात होगी वो, तो उस तरीके से सब जो वायर नीचे गए हैं वहां पे, तो वहां पे सिग्नल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने दिल्ली से अगर मुंबई कॉल लगाया तो मुंबई जाऊंगा, तो मुंबई जाके वहां के एक्सचेंज में जाएगा, वहां पे जो नंबर डायल किया वहां पे उसका पूरा एड्रेस वगैरह रहता था, तो उस जगह रूट करके वहां, जैसे मैंने यहाँ पे आपके घर के बाहर एक छोटा सा वो लगा हुआ है, ऐसे वहां पे भी लगा होता था, तो वहां पे करके आपके पास कॉल रिसीव होगी, वहां पे जो सिग्नल थे सिग्नल को आपको वो वॉइस में कन्वर्ट करके आपको सुनाई देता था। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा जो पहले टेलीफोन जो हुआ करते थे। अब हमारा जब इसमें अगर मोबाइल आया है, तो मोबाइल में कुछ वायर तो होता नहीं, देखिए ये भी है, तो ये भी एक तरह का वायर्ड, हमारे जो बाकी जो हम सिर्फ जो वायरलेस है वो मोबाइल से लेकर टावर तक का है, बाकी उसके आगे पूरा सब वायर चलेगा उसके आगे आपका पूरा जितना भी है। तो मोबाइल से लेकर जब हम किसी को वहाँ पे अपना सिम डाला है वहाँ पे और कॉल लगाया है हमने वहाँ पे, तो हमारा वही सेम प्रोसेस वर्क करता था, वो जाता था हमारा एंड जो हमारा टावर है टावर पे जाता था, टावर से क्या करता था वहां से जितने वायर होते हुए वहां से वायर से होते हुए वो क्या करता था नीचे हमारा जनरली वायर से होते हुए एक हमारा जो रहता था MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर रहता था, तो वहां पे जाके वो जब
वहां से आके आपने, जैसे कि मैंने यहाँ से दिल्ली से मुंबई कॉल लगाया, तो मुंबई का जो भी रूट होगा वहां से रूट में उस वायर, अभी वायर के थ्रू पूरा सिग्नल जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर है हमारा पूरा यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वहां पे जा रहा है। और जो मुंबई की कोई वहां पे MSC होगी वहां पे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, तो वहां पे जब जाते थे तो वहां से करके उसके बाद जो पर्टिकुलर जो आप वहां पे हर किसी का क्या रहता था कि जब हम मोबाइल सिम लेते हैं तो हर किसी का एड्रेस वगैरह वहां पे सब कुछ रहता है वहां पे। एग्जैक्टली आप कहां पे हो, किस टावर में, उस टावर से MSC से सिग्नल आपको उस टावर में भेज दिया जाता था। और उस टावर से, जैसे कि मोबाइल तो हमारा वायरलेस तो है यहां पे, हम चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं भी हम ऑब्वियसली अगर दिल्ली में है या मुंबई में है तो एक टावर तो होता नहीं, बहुत सारे टावर होते हैं वहां पे, तो हम किसी भी टावर में हो सकते थे, वो टावर चेक करके आपके पास सिग्नल और आपके पास रिसीव, आप वहां पे कॉल रिसीव कर सकते थे। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे जो MSC वाला पार्ट है, यहाँ पे OMCR पार्ट है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे 1 से 1.5 साल वहाँ पे जॉब किया हुआ है वहाँ पे, तो पूरा क्रिएट और ये सब पूरा था, लेकिन वो आई थिंक बहुत पहले की बात है, जब उस समय हच में किया था मैंने आई थिंक। तो एनीवे ये चीज़ हो गई, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे जो एक, जो आपने कभी टावर देखा होगा वहाँ पे, टावर के ऊपर जो एक गोल लंबा सा होता है वो एंटीना, GSM एंटीना होता है जनरली वहाँ पे, सेंड रिसीव, उसी से हमारा सेंड रिसीव ये होता है हमारा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे टावर की बात हो गई यहाँ पे। तो अब जब हम टेलीफोन से हम यहाँ पे इवोल्यूट हुए, यहाँ पे हम मोबाइल पे आ गए हैं, वायरलेस जिसे मैंने कहा टावर से लेकर मोबाइल के रेंज तक का वहाँ का वायरलेस है, उसके बाद हमारा पूरा अंदर, अगर हम फॉरेन भी कहीं भी कॉल कर रहे हैं कहीं भी, वो भी सेम प्रोसेस है उसका, यहाँ से कॉल करना, उसके बाद अंडर पूरा जो समुद्र पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है पूरी वहाँ पे, उसी के थ्रू ही कॉल, यही प्रोसेस है वहाँ भी कॉल करने का, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कॉल करने का, कुछ भी करने का यही प्रोसेस है। इवन डेटा भी आपको इसी तरीके से जो होता है, हम इंटरनेट चला रहे हैं वो भी इसी तरीके से ही वर्क करता है, सब चीज इसी तरीके से वर्क करती है आपको पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में। तो अभी अगर हम बात करते हैं जो 1G 2G है 5G है, जी जनरली जनरेशन है, जैसे कि हम कहते हैं ना ऑन पैसे में जनरेशन टू जनरेशन, तो इसी तरीके से जी इंडिकेट करता है जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन, जब नगमा मैम ने बताया अभी फर्स्ट जनरेशन था, वो जनरली 1980 से 1982 में आया था, वो 82 में अराउंड। तो उसमें क्या था कि हम सिर्फ उसमें हम कॉल कर सकते थे, कैंटीना होता था फोन में और हम उसको सिर्फ मतलब कॉल करते थे, प्रोसेस मैंने पूरा बताया आपको किस तरीके से होता था, लेकिन उसमें सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में हम कॉल कर सकते थे, जिसे हम एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम वहाँ पे कॉल करते थे। वहाँ पे दो सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल में हम जो 1-2-1-2 इस स्टेप पर जाता है वो डिजिटल होता है, तो वहां से हम कॉल कर सकते थे, और कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ हम कॉल, ओनली कॉल, और उसकी स्पीड बहुत स्लो, जस्ट 24 KBPS। आज सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है 24, कहां हम MB GB और TB और जाने किस किस की बातें करते हैं, तो 24 KBPS बहुत ही मामूली स्पीड होती है। जनरली हम पहले अगर साइबर कैफे में जाते थे कहीं, तो अगर किसी वो एक घर में तो नेट नहीं, साइबर कैफे में जाते थे, और कोई अगर फोटो भी क्लिक कर रहे हैं उसको फ्लॉपी में लेके, तो 1 घंटे में तो फोटो, इवन आपको किसी ने मैं हूं ना का मूवी अगर किसी को याद होगी, देखी होगी, तो वो जो उसका फोटो रहता है धीरे 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 कैसे स्लो 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 करके नीचे आता है, तो इसी तरीके से जनरली फोटो हुआ करते हैं। तो ये 24 KBPS उसी तरीके की यूज होती थी। फिर आया हमारा 92 के अराउंड हमारा 2G जनरेशन। देखिए हर चीज में इसमें इवोल्यूट होता गया आगे और वर्क होता गया, तो आगे जाके हमारा 2G आया। 2G में क्या आता था, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीमेंट हुई, 24 से हमने 64 KBPS कर दी इसकी स्पीड। अब जो ये स्पीड की है हमने, तो इसमें सिर्फ बाकी पहले वाला तो हमारा एनालॉग सिग्नल के थ्रू करता था, हमारा सिर्फ कॉल जाती थी हमारे, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिजिटल वाला आया, यहाँ पे हम सिर्फ कॉल के साथ में मैसेज भी कर सकते थे, आई मीन टेक्स्ट मैसेज ओनली। आपने देखा होगा पहले जो नोकिया फोन और ये वाला जो ऐसे फोन आते थे, तो हम सिर्फ किसी को मैसेज, जिसका ऑलरेडी पैसे भी, आई मीन 1 रुपए मैसेज और 2-1.5 रुपए लगता था, जो आई थिंक किसी फेस्टिवल का आने से पहले उसको फ्री नहीं करता था, और समथिंग उसको 5 मिनट पहले लोग मैसेज भेज देते थे कि यार नहीं तो न्यू ईयर पे उस पे फेस्टिवल पे हमारा कॉस्टली हो जाएगा। तो उस दौर से भी हमने वहाँ पे देखा हुआ है। तो यानी 2G में हमारा क्या 64 KBPS की स्पीड रहती थी, और हम कॉल के साथ साथ हम टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आया इसमें जो हमारा 2003 के अराउंड हमारा आया था, उस समय जो आया 3G जो आया, तो वो ये था हमारा मल्टीमीडिया। जब हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया फोन है, उस दौर पे नए नए चीज फोन आए थे, जो हम किस तरीके से उसमें इमेज पिक्चर कुल मिला के जो हम 2G में हमारा कॉल और मैसेज कर सकते थे, तो 3G जो आया था, 3G में हम उसमें इंटरनेट यूज कर सकते थे, इंटरनेट ओपन कर सकते थे, चाहे उसमें google.com हो, ये हो, ये सब चीजें ओपन कर सकते थे, और अगर कोई हम चीज इंटरनेट ओपन कर रहा है तो हमको मल्टीमीडिया फोन की उसको जरूरत पड़ती थी, जिसमें 3G हमारा वहां पे चल सके। यहाँ पे 3G वाले फोन में हम मल्टीमीडिया फोन रहता था, जिसमें कॉल, मैसेज और इंटरनेट, 3G, और इसकी स्पीड होती थी 2 MBPS, जो कि नाम के 2 MBPS होती थी, लेकिन जनरली मतलब ठीक ठाक होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड इसमें भी कुछ ऐसी कोई खास नहीं होती थी उसमें भी ज्यादा।
तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया, जो जो आज की डेट पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, आई थिंक करते करते 10-12-15 साल में जितने भी हमारे जो भी हमारे इक्विपमेंट है सब हमारे 4G पे ही चले हैं, 4G ही आए हैं, और अभी तक भी हमारा 4G चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो 4G में क्या था हमारा, जो ये 2010 या 11 के आसपास हमारा 4G आया था, तो इसमें हमने जनरली इसकी स्पीड जो हो गई थी 100 Mbps हो गई थी हमारी इसकी इसकी स्पीड, और 100 Mbps स्पीड के साथ साथ हम इसमें वीडियो कॉल भी कर सकते थे। जनरल देखो पहले वाले में हम नॉर्मल हम सिर्फ इंटरनेट ओपन कर सकते थे, इसमें हम वीडियो कॉल भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम कॉल मैसेज और इंटरनेट के साथ साथ हम किसी वीडियो कॉल भी वहाँ पे हम यूज कर सकते थे। जब उसके बाद ही हमारा कुछ टाइम ये मैसेजिंग जो आया, व्हाट्सअप वगैरह ये सब आया, तो उसके बाद ही इवोल्यूट होते 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 अभी जाके हम कहीं भी आज की डेट में कोई फॉरन में बैठा है और ये ऑन पैसे में खासतौर से चाहे कितने भी इंटरनेशनल लीडर हो कोई भी हो, हर किसी से बात करने के लिए नहीं लगता, पहले तो सोचना पड़ता था कि यार इंटरनेशनल कॉल है इतना पैसा लगेगा, तो आज की डेट में हम उसके थ्रू वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये सभी अभी हमारा 4G पे ही है, 5G पे अभी हमारा कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब आई मीन है 5G पे आ गया है, लेकिन मैं ये 4G जब से 2012-13-14-15 आई मीन 2019-20 तक हमारा जब तक है 4G हमारा चल रहा है, और आज की डेट में भी काफी सारे लोग हैं हमारा 4G फोन ही हमारा यूज कर रहे हैं हमारा। और तो उन्हीं से बार बार ये बहुत सारे फोन भी आते हैं, सर 5G फोन लेना है, वो नया फोन लेना है तो कौन सा फोन लेना है, तो एग्जैक्टली उसको जो भी अभी डिवाइस है तो अपडेटेड उसमें जाइए, नॉर्मल 5G वाला ही लीजिए, जितना भी हो जो भी रेंज हो आज के ठीक ठाक रेंज में आते हैं तो 5G वाला, क्योंकि हमारी अब 5G पे ही सब कुछ हमारा होने वाला है यहाँ पे। तो फिर जो नॉर्मली 4G में जो होती थी, आपने देखा होगा 4G अगर, तो आपके पास दो चीज होती थी वहाँ पे, एक वहाँ पे LTE लिखा आता था वहाँ पे, तो LTE जो होता था वो हमारा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता था, जो एक 4G का सिग्नल होता था, 4G नहीं वहाँ पे LTE लिखा आता था। इसको जब रिलायंस आया तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने ऑलरेडी मैंने कहा ना कि सब उसने पूरे अपने ऑप्टिकल पूरी फाइबर पूरी बिछा दी, ऑलरेडी पूरा सो वर्क उसका चल रहा था अपने टावर ये सब लगाना, तो उन्होंने क्या करा जब LTE था तो LTE में क्या था कि एक लाइन जो थी हमारी कॉल करने की थी और एक लाइन हमारी डेटा की थी, जो कॉल वाले में था वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आता था, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे, कभी कॉल डिस्टर्बेंस, कभी कॉल नहीं लग रही है, इवन जियो का फोन भी देखा होगा जब नया नया आया था उस समय तो नहीं लगती थी उसमें कॉल। फिर वहां पे जो लगाया तो वॉयलेट करके लगाया, मतलब VoLTE वॉइस ओवर, मतलब उसी डेटा पे हम जो कॉल जिसपे हम डेटा मोबाइल इंटरनेट इंटरनेट डेटा तो अच्छा चलता था 4G पे, लेकिन हम कॉल पे प्रॉब्लम होती थी, उसी डेटा पे हम क्या करा हमने वॉइस ओवर जो है हमने क्या कहते कॉल भी उसी पे स्टार्ट कर दिया हमारी। तो ये स्टार्टिंग में लोग बोलते थे यार जियो आया है तो जियो अब हम इंटरनेट के थ्रू हमारे वहाँ पे कॉल जाएगी तो कॉल के थ्रू हमारा इंटरनेट खर्च होगा, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते थे बहुत पहले 16-17 में आई थिंक, तो लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्या था कि इंटरनेट तो है ही आपको जो भी पैकेज लिया आपने, लेकिन उसी जो एक जो फाइबर जो वहां पे है उसी रूट के थ्रू आपका बात हो रही है उसमें। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे आया नेक्स्ट जी, तो हमारा हो गया इसके बारे में 4G के बारे में। 4G ने ऑलरेडी जैसे मैंने कहा 4G ने बहुत अच्छे से तरीके से जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाया, हमारे जितने भी इक्विपमेंट है जो सब कुछ है आज के डेट में 4G के लिए ही है, 4G बहुत अच्छा है और आज की डेट में भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ 5G की, तो 5G अगर जो आता है ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, इसका काफी जगह यहाँ पे आई मीन साउथ कोरिया में कहीं से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, और वहाँ के बाद 19 के बाद अगर मैं इंडिया की बात करूँ यहाँ पे तो इंडिया में अगर बात करें तो 22 से 2022 से समथिंग इसकी कुछ हमारे स्पेक्ट्रम जितने भी थे वो सब एलोकेट हुए, उसके बाद हमारी इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई है। आज की डेट में देखोगे तो आज की डेट में अच्छा खासा आपके पास 5G का अगर मोबाइल है तो 5G नेटवर्क वहाँ पे आप कैच करते हो अच्छी तरीके से वहाँ पे आता है। तो 5G में क्या होता है जनरली हमारे तीन बैंड होते हैं, इसमें लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड होते हैं। बैंड के बारे में भी बताएंगे, पहले 5G में हुआ क्या, 5G जो हमारा जनरली जो 4G से 5G बेटर क्यों है, 5G में अगर कोई चीज हम यूज करते हैं तो 4G में जो यूज करते हैं उससे 100 times बेटर, 100 times स्पीड उसकी ना उसकी बेटर मिलती है। तो ये बेटर क्यों मिलती है, और जो हमारी लेटेंसी होती है, लेटेंसी क्या करते हैं मैंने बताया ना, टावर से जो कॉल, टावर से हमारा मोबाइल, मोबाइल के बीच में जो हमारे पीछे कॉल आ रही है ना, आपने कभी बात की होगी उस पर व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे थोड़ा सा आवाज आपका डिले रहती है, मुश्किल से कुछ सेकंड मतलब हाफ सेकंड या कुछ सेकंड आवाज आपकी डिले आती है, क्योंकि हम वो डेटा के थ्रू हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5G नेटवर्क की, जो लेटेंसी उसे कहते हैं कि टावर से आपके पास मोबाइल जो है वहां का आपके बीच में कितना मतलब आपकी आवाज कितनी डिस्टर्बेंस हो रहा है कितना, ये जनरली बहुत मिली सेकेंड्स में होता है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ये मुझे यहाँ से मुंबई कॉल करनी है या कहीं भी कॉल करनी है तो मैंने यहाँ नंबर डायल किया और यहाँ पे टू टू करके वहां बेल बज गई, उसने उठाया बात भी कर लिया, ये कुछ मिली सेकेंड का पूरा खेल है यहाँ पे।
अगर 4G में अगर वो आपका 40 मिली सेकेंड समथिंग उसको ले रहा है, तो यहाँ पे 5G में 1 मिली सेकेंड में, 1 से लेकर 5 मिली सेकेंड में आपका वो, यही लेटेंसी जो हो गई बिल्कुल कम हो गई यहाँ पे उसकी। और इसका जो हमारे आगे आने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी अभी चल रहे हैं टेक्नोलॉजी जो हम यूज आगे हमारे आएंगे, तो वहाँ पे ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करेगा, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो ये है हमारा, ये तो इस 5G को डेवलप करने के लिए क्या करा उन्होंने, जो अभी टेक्नोलॉजी आई है इसमें जनरली 5 चेंजेस किए। मैंने आपको पूरा बताया कि एंटीना में किस तरीके से वर्क होता है, कहाँ पे क्या सिग्नल कैसे जाते हैं। अब यहाँ पे जो 5 चेंजेस किए उन्होंने उसी में ही चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। एक होता है वहाँ पे मल्टीमीटर वेव, जो हमारा एक मल्टीमीटर वेव लगाया वहाँ पे उन्होंने, जो एक कहता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है हमारी। तो उसमें क्या करता है, ये अभी जो हमारा 4G में है, 4G में हमारा मैक्सिमम 6 हर्ट्ज का, क्या कहते हैं, 6 गीगा हर्ट्ज का हमारा यूज करता है फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि स्पीड, देखिए सब चीज टोटल आप ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्पीड पकड़ लीजिए, आपकी स्पीड क्या है, 6 है अगर वहाँ पे, तो 6 में आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, डेटा थोड़ा सा आपके पास स्लो आएगा वहाँ पे। लेकिन 5G में क्या करा उसने, जो स्पीड वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर आई थिंक 100 गीगाहर्ट्ज तक उसका वहाँ पे रह सकता है वहाँ पे। तो इसका जो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो डेटा की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इवन आप जैसे कोई अगर मूवी वगैरह कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो आपके पास डेटा के जो डेटा रिसीव होगा वो डेटा रिसीव होगा तो आप उसको जल्दी से आपके पास आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करता है। तो उसी के लिए वहाँ पे एक चेंज जो पहला चेंज किया वो मल्टीमीटर वेव वहाँ पे चेंज किया, जो कि बहुत ही मतलब डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए हमको। लेकिन इसका वहाँ पे ड्रॉबैक था, इसका ड्रॉबैक ये था कि अगर हम सिंपल सी है, अगर हम किसी चीज को डेटा अगर ज्यादा चाहिए हमको तो उसकी रेंज कम हो जा रही थी उसकी। जैसे कि हमारा एक टावर लगा हुआ है, एक टावर से हम काफी सारा रेंज का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ माइल्स तक कुछ किलोमीटर तक हम उसको वहां पे कवर कर सकते हैं। तो इसकी जो है वो अगर हम जैसे कहना फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उसकी जो डेटा की कैपेसिटी होगी सेंड रिसीव की इसकी, तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो उस जो कम करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए दूसरा जो चेंजेस किया गया वो है स्मॉल सेलुलर सेल। मतलब हर 250 मीटर पे एक इनको टावर लगाना पड़ेगा वहां पे, हर 250 मीटर पे। तो हर 250 मीटर पे जब ये टावर वहां पे लगाएंगे, तो यानी कि जब उसमें लगाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास जो सपोज कीजिए आपके यहाँ पे एक टावर है लंबा सा, यहाँ बड़ा काफी बड़ा सा यहाँ पे, और बीच में वहां पर नहीं लगाया, तो आप बीच में गैप जो रहेगा, गैप में तो आपको नेटवर्क आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे 5G वर्क ही नहीं करेगा। जब वर्क नहीं करेगा तो आपको मतलब नहीं बनता वहां से उसको कोई भी यूज करने से कुछ भी। तो इसीलिए हर 250 मीटर पे टावर यहाँ पे लगाए गए हैं वहाँ पे, जिससे कि आपका कहीं भी जाएंगे तो नेटवर्क आपका ब्रेक नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से वहाँ वर्क करता रहेगा वहाँ पे। तो सेकंड दो चेंजेस हो गए यहाँ पे, ये स्मॉल सेलुलर सेल जो हमारा यूज किया है वहाँ पे। क्योंकि अब हमारा क्या है, हम जैसे जैसे हमारे फैसिलिटी मिलेगी हमको, तो हमारा क्या होगा, हमारा कंजेशन बढ़ेगा, हमारे यूजर बढ़ेंगे तो कंजेशन हमारा बढ़ेगा। कंजेशन मतलब ज्यादा यूजर होंगे, ज्यादा कॉल करेंगे तो वहाँ पे कॉल नेटवर्क की वहाँ पे इशू वहाँ पे आपका आएगा ही आएगा वहाँ पे। कंजेशन जब बढ़ रहा है वहाँ पे, तो उसके बाद इन्होंने वहां पे क्या हुआ नया है, मैसिव मीमो करके जो थर्ड चीज बनाई है ना, मैसिव मीमो। मीमो मतलब मल्टीपल इन और मल्टीपल आउट, ठीक है। अब अगर 4G की बात करें तो एक टावर जो होता है उस टावर में मैक्सिमम जो हमने मैंने एंटीना बताया GSM एंटीना स्टार्टिंग में, वो हम 10 से 12 यूज कर सकते हैं। 10 से 12 यूज करेंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली जब वहां पे लिमिटेड चीज है तो लिमिटेड वो रहेगा, रिसीव होगा डेटा वहां पे। लेकिन जो 5G में यूज किया है यहाँ पे हम 100 तक लगा सकते हैं। जब 100 लगाएंगे ऑलरेडी जब वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा कंजेशन बढ़ेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे 100 जब यूज करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, और स्पीड आपकी अच्छी रहेगी और कुछ भी नेटवर्क वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैसिव मीमो जो हम एंटीना वहाँ पे हम लगाते हैं इसमें हमारा। अब इसमें एक चीज और है, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि अगर जैसे कि सपोज कीजिए मैं नॉर्मल अपना कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अपना मेल चेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा डेटा यूज नहीं हो रहा है। अब कुछ बंदा है जो बंदा गेम खेल रहा है या कुछ डाउनलोड कर रहा है या ऐसी कुछ हैवी एप्लीकेशन जिसमें ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, तो उसको ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे 5G वाले में इसमें ये टेक्नोलॉजी ये की गई है कि जो नहीं कर रहा है उसको कम डेटा जाएगा, कम स्पीड जाएगी, स्पीड तो वही रहेगी उसको, बस कम जाएगा उसके बाद। जो ज्यादा कर रहा है उसको जरूरत है तो उसको पहले डेटा उसको प्रोवाइड किया जाए, मतलब डेटा की जो स्पीड है उसको प्रोवाइड की जाए वहाँ पे। इसी के लिए होती है यहाँ पे बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होती है, जो कि ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम मतलब उसको कंट्रोल करता है कि किसको जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको वहां पे करें। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है
और हम अगर डेटा हम बहुत अच्छी, जैसे कि आप, मैंने कहा कि एक मूवी अगर कोई हम डाउनलोड करने जाएंगे तो आई थिंक अगर स्टार्टिंग में पहले बात की जाए 12-13 की उस समय, तो कुछ 16-17 KBPS की आती थी, जिसको मूवी रात में लगाते थे और सुबह तक मूवी डाउनलोड होती थी। 4G में आए तो 10 से 15 मिनट, आधे घंटे में हो जाती थी। आज की डेट में अगर हम 5G में अगर उसको मैं करता हूँ, उसको अगर यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ, तो विदिन कुछ सेकंड में ही ऐसे ऐसे घूमेगा 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 ऐसे करके ऊपर क्या कहते हैं मूवी पूरी आपकी 1 GB की मूवी फुल HD में आपकी डाउनलोड पूरी वहाँ पे हो जाती है। वो भी तो ये है स्पीड। मुझे वहाँ पे डाउनलोड कर रहा था मैं ये चीज, तो मुझे क्या है, मुझे डेटा की जरूरत थी, तो वहाँ पे ये बीम फॉर जो फॉर्मिंग है टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू मुझे स्पीड पहले वहाँ मिलेगी। तो जितने भी हमारे वहाँ पे हैं यूजर हैं, उनको लगेगा ही नहीं कि हमको वहाँ पे डेटा स्लो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट है हमारा इसका जो ये फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि हमारा जो 4G में क्या था कि हम वन टाइम में या तो डेटा हम सेंड करेंगे या डेटा हम रिसीव करेंगे। डेटा सेंड करेंगे तो उसमें यानी आपको टाइम लगेगा ऑब्वियसली कि हमने डेटा सेंड किया है, फिर उसके बाद मतलब एक ही समझ लीजिए एक ही ट्रैक पे हम डेटा जा रहा है उसमें, और फिर जब तक डेटा सेंड नहीं होगा तब तक वेट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे टाइम लग जाता था। ये जो भी टाइम हो रहा है ना, ये मिली सेकेंड्स की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं कि मतलब 4G खराब है, 4G ये है। 4G भी आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि एक मूवी 1 GB की मूवी अगर 30 मिनट में 10 मिनट में अगर आप उसको डाउनलोड करते ना, तो ये भी बहुत अच्छी स्पीड थी जो जिस जमाने से लोग अभी तक वहां पे निकल के आए हैं। और जो 5G की बात आ रही है वो 1 मिली सेकंड की, यानी 1 मिली सेकंड, सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया इनके लिए, मतलब मिली सेकंड में बात हो रही है यहाँ पे। तो जो एक ही वे से डेटा सेंड और डेटा रिसीव यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फुल डुप्लेक्स में क्या किया है, दो ट्रैक इन्होंने यूज किया है वहाँ पे, जैसे कि एक सेंड का एक रिसीव का। आपको जैसे मैंने कहा ना कि मूवी मैं कुछ एक सेकंड में डाउनलोड कर रहा हूँ, तो एक सेकंड में डाउनलोड हो रही है, यानी उसके बीच में और दूसरा भी कुछ भी दूसरा काम कर रहा है, और भी कुछ बहुत सारी वहाँ पे अगर काम हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी मूवी विद इन सेकंड में, अब एक सेकंड या दो सेकंड में आपकी डाउनलोड हो रही है, क्योंकि आपका सेंड रिसीव दोनों आपका सेम अलग ट्रैक पे है। तो उसमें हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा सिग्नल कॉलिजन नहीं हो रहा। अगर हम कुछ सिग्नल भेज रहे हैं, वहां से सेंड रिसीव हो रहा है, तो सिग्नल को कुछ ऐसा नहीं कि जैसे कुछ एक ट्रैक पर दो ट्रेन आकर टकरा गई, तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है जो हमारा डेटा वहाँ पे इस टाइप की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी खत्म हो गई है। तो ये 5 चीजों के थ्रू हमारे यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा, बहुत स्पीड इसकी बहुत ज्यादा, मतलब आई मीन 4G से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसकी, कि अगर हमारा जो ये 5G है, एक जो हमारे इसके बैंड की बात करता है, इसमें जनरली 5 बैंड होते हैं हमारे 5G में, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड सबसे जो होता है उसकी स्पीड होती है 30 से 250 MBPS की स्पीड होती है, जिसकी वो होती है 100 माइल तक रेंज। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि अगर जैसे कि हम हाई स्पीड लेंगे तो रेंज आपकी बहुत कम हो जाएगी, 100 माइल से रहेगी तो बहुत ज्यादा रहेगी यहाँ पर उसका। और फ्रीक्वेंसी 600 से 700 MHz में रहती है इसकी। सेम मिड रहती है, मिड में क्या रहती है 100 से 900 MBPS स्पीड रहती है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वो 2 to 6। 4G अभी जो है 6 पे चल रहा है, और ये मैं कह रहा हूँ जो 5G है वो 100 GHz, यानी बहुत बहुत ज्यादा रहता है। अगर हाई पे जाऊंगा मैं इसकी, तो वो हमारा रहता है 25 से 100 तक रहेगा, लेकिन इसकी लिमिट जो विद इन 1 माइल के अंदर, बहुत कम हमारी इसकी लिमिट जो रेंज रहेगी, बहुत कम रहेगी रेंज उसकी। इसलिए मैंने कहा कि 250 पे उसमें टावर हमारे वहाँ पे लगाए जाते हैं। अगर बात करते हैं कि इसकी जनरली हमारा ये वर्क कैसे, 5G अगर वर्क कैसे करता है, देखिए सबसे पहले वो सिंपल डेटा में वही चीज़ है जो चीज़ मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी मोबाइल वाली। अगर हम कोई लैपटॉप है यहाँ पे, अगर मैं मूवी डाउनलोड करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया सिंपली ये मूवी है मुझे डाउनलोड करनी है, यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, सिग्नल जो भी आपका यहाँ पे, यहाँ से सिग्नल जाएगा आपके क्या कहते हैं जो नियरेस्ट जो टावर होगा वहाँ पे जाएगा, टावर के पास से जो वहाँ के केबल के थ्रू जितने भी जाएगा, जितने भी केबल हमारी है, सपोज कीजिए अगर मैंने कोई अमेजोन से वॉट एवर किसी जिसका सर्वर हमारा कहीं US में, UK में, सिंगापुर में, कहीं भी है दूर, तो जितने भी हमारे केबल वहाँ पे बिछी हुई है सब वहाँ से पूरा हमारा सिग्नल जाएगा वहाँ पे, उस सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से आपको जो रेस्पॉन्ड करेगा वापस रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो जो भी आपका रीजनल वाली MSC होगी वहाँ से आएगा, वहाँ से टावर पे आएगा। अब टावर पे जो आएगा, टावर पे क्या है आपका, टावर पे जो है आपका जो मैसिव मिमो कहा मैंने, मैसिव मिनिमम मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउटपुट जो एंटीना होगा वहां के थ्रू, जो आपका जो वहां से मोबाइल के थ्रू आपको जो रेंज आएगी ना, वो एक जस्ट एक लाइट की जो स्पीड होती है ना बीम की तरह, उसकी तरह आपकी स्पीड आएगी, और मोबाइल में आपका खटाक से विद इन सेकंड आपका 1 GB का डेटा आपका वहां पे डाउनलोड हो जाएगा वहां पे। तो ये चीज वहां पे इस तरीके से हमारा यहां पे वर्क करता है इसका। तो ऑलरेडी इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 10 से इतना हर्ट्ज तक रहती है हमारी 100 तक, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसलिए इस पे ज्यादा वर्क करता है हमारा इसका। अगर इसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक की बात करें अगर 5G वालों की, तो एक तो सबसे पहले तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे,
एक्सट्रीम जिसकी एक्सट्रीमली हाई स्पीड मिलती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड है हमारी, जो मैंने कहा 100 times इसके बेटर है। अगर हम उस हाई स्पीड में अगर हमको यूजेस में देखा जाए हाई स्पीड में, तो हम अगर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ओकनेट का एग्जांपल, हम ओकनेट जा रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो ओकनेट में लोग नहीं थोड़ा घूम रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पीड का वर्क, या हम कोई और भी चीजें हम लाइव देख रहे हैं, लाइव वीडियो है, लाइव कॉन्सर्ट है, तो वहाँ पे हम कोई इशू वहाँ पे नहीं होगा हमको वहाँ पे। और इसी का अगर हम वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंट रियलिटी में हम करते हैं, तो सपोज कीजिए अगर कोई कोई डॉक्टर है अगर वहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो तो जनरली अपने वर्चुअल रियलिटी के जो बताए थे गॉगल वो लगा के वो कर रहा है, तो अगर वहाँ पे स्पीड जो है मैंने कहा मिली सेकंड का ही फर्क नहीं होगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट होंगे उसको इंस्ट्रक्शन दे के इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आई थिंक किसी पिक का कोई किसी कंट्री में एक इसी टेक्नोलॉजी पे किसी ऑपरेशन हुआ है, वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो इन फ्यूचर में इस तरीके से यहाँ पे 5G की यूज वहाँ पे होने वाला है यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा इसका एक्सट्रीमली लार्ज कैपेसिटी। देखिए लार्ज कैपेसिटी जब होती है, जैसे कि हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं या फिर किसी हम मैच में जाएं, क्योंकि कोई मैच रहता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, डेटा है, वही सिंगल सेम टावर से आपका कनेक्टेड रहेगा, तो कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा उसमें, वो नहीं होता, आई मीन फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत कम रहेगी उसमें, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड आपकी डाउन होगी वहाँ पे, आपका सिग्नल भी नहीं वहाँ पे ओपन होगा, कोई डेटा आप कभी लाइव करना चाहेंगे वहाँ पे या फिर रिकॉर्डिंग फोटो का सेंड करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, तो ये जो है ना इसकी आपको दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पे आप बहुत ज्यादा आराम से डेटा यूज कर सकते हैं, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो आपका लार्ज कैपेसिटी होगी वहाँ भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा जहाँ पे जो लेटेंसी मैंने बताया ऑलरेडी, हमारा जो लेटेंसी बताया है वो हमारा लो लेटेंसी है, लेटेंसी वही वर्ड जो बताया कि माइक सेकंड यहाँ से लेकर टावर से लेकर मोबाइल तक का जो आने का टाइम होता है वो 1 मिली सेकंड में अंदर आपके आएगा, तो उसी डेटा भी उसी स्पीड से आएगा, वहाँ पे आपका डाउन वो हो जाएगा। अब इसका अगर देखा जाए यूज हम अगर ड्राइवरलेस कार बता रहे हैं, तो अगर जो 5G की अगर हमारी स्पीड रहेगी वहाँ पे सब ये रहेगा यूज रहेगा, तो वन अगर कुछ सेकंड का ही फर्क रहेगा उसमें, तो आई थिंक जो उसका कंट्रोल देना एक सेकंड ही इनफ होगा किसी का एक्सीडेंट होने के लिए कहीं पे, अगर ट्रैफिक है इंडिया में अगर कोई गाड़ी चलाएगी ड्राइवरलेस, तो उसमें 1 सेकंड का भी इनफ होगा, तो यहाँ पे हम मिली सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी से अभी आएगा ऑलरेडी, जैसे इस पर वर्क चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो इसके थ्रू वहाँ पे जो एक्सीडेंट होंगे बहुत कम होगा, यानी डेथ या कैजुअलिटी बहुत कुछ वहाँ पे कम हो सकता है, तो अभी इस पे ऑलरेडी वहाँ पे वर्क चल रहा है। अगर इंडिया में बात की जाए, तो इंडिया में यहाँ पे इसका जनरली जियो या फिर एयरटेल या वोडाफोन यही जो जनरली है जो हमारे इसमें ज्यादातर यूज कर रहे हैं। अभी टेस्टिंग भी हमारी 2022 के बाद से हो गई है, तो अभी काफी मेजर सिटीज में वहाँ पे 5G यूज चलने लगा है वहाँ पे, जैसे कि मेट्रो सिटीज में तो काफी वहाँ पे यूज हो रहा है अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे। लेकिन ओके जैसे अगर इसका बैंडविड्थ हम बात करते हैं उसकी लैंडलाइन की बात करते हैं, तो लैंडलाइन में भी देखेंगे आप 5G अगर आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैं मेरे घर में यहाँ पे लगा हुआ है, मैं अगर इस रूम से थोड़ा सा अगर मुश्किल से 30-40 मीटर अगर बाहर चला जाता हूँ, तो सिग्नल 5G का नहीं पकड़ता, 4G का ही उस समय आने लगता है मेरे को, तो वो ये है कि इसकी थोड़ी सी वो चीज़ कम होती है वहाँ पे। तो अगर इसके हम जनरली इसके यूजेस देखेंगे, तो उसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, जैसे कि आपका मैंने ऑटोनोमस यानी जो ड्राइवरलेस जो हमारी कार है उसमें आप एकदम हाई स्पीड रहेगी, तो लेटेंसी बहुत कम रहेगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें बहुत कम रहेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलरेडी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि हम वहाँ पे ऑपरेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए बहुत जगह क्या होता है कि आप हैं यहाँ पे, आप अगर कहीं बीमार हो गए कुछ भी हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल, बाहर जगह फॉरन में ये सब चीजें हैं अभी इंडिया में तो खैर अभी नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल है वहां पे आपका सिग्नल चला जाएगा, तो वहां से एम्बुलेंस कुछ वहां पे आ जाएगी आपको, और आप वहां पे बच सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किस टाइप की चीज हो गई, तो वहां पे स्पीड आपकी मैटर करेगी, स्पीड अच्छी होगी तभी तो ये सब चीज आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर पता लगा यहाँ पे आप तो तड़प रहे हैं, वहां पे सिग्नल ही आपका बहुत लेट पहुंच रहा है, तो ये इस हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा वो करते हैं। ऑपरेशन का मैंने बताया, ये ऑपरेशन जो हो रहा है। स्मार्ट सिटी हमारे बहुत ज्यादा, जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी आज के डेट में देखोगे, अब इवन दिल्ली में भी, नोएडा में भी, हर जगह कैमरे जो लगे हैं, कैमरे की स्पीड देख रहे हो कि चालान 70-60 पे आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये सब चीजें हमारी जितनी जनरली अभी क्या है, इस गाड़ी अगर स्पीड से निकलती तो ढंग से पहले नंबर प्लेट भी कैप्चर नहीं हो पाती थी, अब तो प्रॉपर तरीके से उसका फोटो वोटो सब कुछ है, मेरा दो बार आगरा एक्सप्रेस कटा हुआ है, फोटो वगैरह पूरा आता है प्रॉपर उस तरीके से, तो ये सब चीज़ें उस पर आ रही है। अभी होम अप्लायंस है, बहुत सारी चीज़ें आजकल घर में हैं जो हमारी जैसे कि हमारे IoTs में आती है हमारी, तो जितना भी हमारा IoTs जितने भी हैं, तो वो जितने ये 5G अगर टेक्नोलॉजी होगी तो डेफिनेटली उस पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी।
एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे जितने भी सेंसर हमारे वर्क करते हैं, तो सेंसर में जितने भी होंगे हमारे, तो अगर कहीं की सॉइल कैसी है, क्या है, इस टाइप की चीजें हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर हम लो लेटेंसी, तो ऑलरेडी है, नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, मतलब करता है ये। और अगर 5G ड्रोन है, जैसे कि हम कुछ चीजें कहीं चेक करना है कुछ भी, तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या है, आप अगर रियल टाइम में आपको चीजें वहां पे दिखाई देंगी तो बेटर आप कुछ रिजल्ट कर सकते हो। आप ड्रोन से कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं भी, अगर चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी चीज करने जा रहे हो वहां पे, तो आपका रियल चीज में, रियल टाइम में, नियर एनवायरमेंट में आपको दिखाई देगी वो। नेक्स्ट हमारा IoT बता दिया, या फिर जैसे कि रिमोट वर्क है। हम आज के डेट में बहुत सारे लोग जब से कोविड के बाद से रिमोट वर्क करते हैं, तो बहुत लोगों का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क स्लो होगा, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें हमारे 5G के उसमें बहुत सारे वर्क करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑलरेडी हम जो हमारी जो मशीन लर्निंग के थ्रू हमारा जो असेंबल होती है कार वगैरह, उसमें जितनी ज्यादा स्पीड हमारी होगी, तो मतलब ऑटोमेटिकली जितनी हम इंटरनेट से जो भी हम रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड हमारी बहुत मैटर करती है। अगर स्पीड हमारी इतनी अच्छी तरीके से होगी, तो हम बहुत अच्छी चीजें वहाँ पे हम कर सकते हैं। और अगर इसके ड्रॉबैक की बात की है, तो ड्रॉबैक की इसके बहुत ज्यादा एक ही ड्रॉबैक है मेन, जो अभी तक इस पर ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी, बहुत ज्यादा ये भी हुई थी कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई, जो ऑलरेडी मैंने फ्रिक्वेंसी के लिए बात की है कि 4G में 6 MHz है, यहाँ पे हम इसको 6 से 100 तक कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं लोगों को हार्म कर रही है लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियो वेव है आपके पास, पूरी मैग्नेटिक वेव आपके आसपास घूमती है, तो वो फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही है। तो इस पे ऑलरेडी स्टार्टिंग में थी, आई मीन कई सारी बहुत सारी मूवी भी देखी होगी आपने कि इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो वो चीज है स्टार्टिंग में, उस पर ऑलरेडी R&D चल रही है, वर्क चल रही है। तो अभी जो 5G है 2019 से स्टार्ट हुआ है, अभी 24 है, अभी अच्छी पूरी तरीके से है नहीं, लेकिन जो ये हार्म वाली बात है मेन यही कि आपके हार्ट पे और आपके माइंड पे कहीं इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी वेव्स हैं वो आपको कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रही। स्टार्टिंग में डेफिनेटली की तो उसको कई जगह, बहुत जगह जैसे कि ऑर्डर भी किया गया यहाँ पे कोर्ट ने कि डाउन करो उसको, डाउन करो जो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने बताया इस टाइम फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो आपको डेटा तो रिसीव होगा आपको, लेकिन वो अगर कहीं हार्मफुल कर रही है, अगर ह्यूमन पे ही, अगर हमारी जो है हमारा ह्यूमन पे ही हार्म कर रही, तो फिर तो फायदा नहीं ना उस ऐसी टेक्नोलॉजी का कुछ। तो यहाँ पे यही मेन ड्रॉबैक है हमारा, ऑलरेडी इस पर रिसर्च चल रही है हमारी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ बेस्ट सॉल्यूशन भी निकलेगा जो कि हमारे ह्यूमन के लिए मतलब हमने ह्यूमैनिटी के लिए भी बेटर होगा, और हमारे जितने भी फैसिलिटी जो आगे हमारे टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट में हमारा एक्सपेरिमेंट इनोवेशन जो होंगे उसमें भी हमारा बेटर रहेगा। तो ये था बिल्कुल छोटा सा एक बिल्कुल सिंपल वे में एक प्रेजेंटेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। यस, ओवर टू नगमा मैम। वाओ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज के हमारे स्पेशल प्रेजेंटर ऐसे प्रेजेंटर हैं जो हमेशा अपने टॉपिक को लेकर खड़े उतरते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस जिसके बारे में जिक्र कर रही थी वो सभी हमारे सर ने आज एक्सप्लेन किया। और होप कि आप सभी को जो है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही थी उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को कवर किया है सर ने, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन हो या वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, और यहाँ पर फिर हेल्थ केयर का एग्जाम्पल दिया सर ने, और डेटा का यूज़ कैसे होता है, उसकी स्पीड, फ्रिक्वेंसी, लेटेंसी के बारे में, टावर और उसके एंटेनास के रिगार्डिंग भी, तो हर एक पॉइंट को जो है यहाँ पर कवर किया गया है और परफेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा यहाँ पर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर बार की तरह आज भी बहुत कुछ सीखा हम सभी ने यहाँ पर। और जैसा कि हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, तो बिल्कुल हम उन सभी का फीडबैक भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं 5G टेक्नोलॉजी में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुकेश सागर सर। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पर, सबसे पहले इन्वाइट करते हैं मिस्टर कुलवंत सिंह सर को, आई थिंक वो है नहीं अभी, यस। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर इनवाइट करते हैं मिस्टर परवेश कौशल सर को। यस, वेलकम मिस्टर परवेश कौशल सर। मिस्टर परवेश सर, अगर आप तक आवाज जा रही है तो अपने नेबरिंग कंट्री में चलते हैं और वहां से इनवाइट करते हैं इंजीनियर सुशांता बिस्वास सर को। यस, वेलकम इंजीनियर सुशांता बिस्वास सर।
अनम्यूट करने में किसी को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है कि अनम्यूट नहीं हो रहा हो, क्योंकि परवेश कौशल सर ने भी रिफ्रेश किया है और वो आए हैं। अनम्यूट हो रहा है मैम। अच्छा अच्छा, तो चलिए जब आपका अनम्यूट हुआ है तो सबसे पहले आपको ही यहाँ पर इनवाइट कर लेते हैं। यस वेलकम मिस्टर प्रज्ञेश वर्दे सर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए नगमा जी, एंड वंडरफुल होस्टिंग के साथ आप आज कंडक्ट कर रही है प्रोग्राम को, बहुत अच्छा लग रहा है। और एज ऑलवेज मुकेश सागर सर, आपने आधे घंटे की प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ अच्छी ब्रॉड नॉलेज दी है 5G टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग, और डेफिनेटली ये हमारे वन प्लस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमें आगे जाके इसके इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें डेटा स्पीड अच्छी मिल जाती है, लेटेंसी लो होती है, तो हम ऑटोमेशन के प्रोग्राम को बहुत सटीकता से अंजाम दे सकते हैं लो के साथ, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा हमारे पास। तो आने वाले और उससे तो होगा भी ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम लोग हाई स्पीड पे कनेक्ट हो पाएंगे, तो ये सभी के लोगों के लिए भी यूजफुल रहने वाला है। तो जो उसकी ऑल ओवर एफिशिएंसी है वो बढ़ने वाली है कंज्यूमर साइड्स भी और सर्विस प्रोवाइडर के साइड्स भी, तो ये अच्छे टर्म्स हैं उसके। तो 5G हमें बहुत इम्पैक्ट करने वाला है, और ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया के मोस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज में या जो भी बड़े शहर है उसमें सब में 5G अवेलेबल होने लगा है अभी, तो ये अच्छी बात है, हमें अपग्रेड करना चाहिए। बात रही डिसएडवांटेजेस की, तो मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि हम सिग्नल के समंदर में रहते हैं सर, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द हवा है ना, तो हजारों टीवी चैनल्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स हमारे ऊपर आ ही रहे हैं अभी भी, कितने सारे रेडियो चैनल्स हैं, कितने सारे मोबाइल की जो सर्विसेज हैं, तो सिग्नल्स को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, हम सिग्नल्स के समंदर में रहते हैं, हमारे चारों तरफ से हम गिरे हुए सिग्नल्स से, तो डेफिनेटली कुछ हार्मफुल अगर इफेक्ट इसके आए होंगे तो ओवरकम भी होंगे, या उस पर और भी R&D करके उस पर जितना भी मैक्सिमम कंट्रोल हो सके तो करके हमें बेस्ट रिजल्ट आगे जाके उसके देखने को अभी भी मिल रहे हैं। ऐसे मेरी जानकारी में तो कोई आया नहीं कि इसके कोई हार्मफुल जो कुछ केसेस होने चाहिए मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके और भी इसमें अच्छी से हम वर्क कर पाएंगे, और डेफिनेटली जिस तरह से हमारी कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं और जो उसके अकॉर्डिंग जो हमें यूज़ करने हैं, तो डेफिनेटली हाई स्पीड अगर हमें हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट होगा तो डेफिनेटली हम उसका उस लेवल से एंजॉय कर पाएंगे, उस परफेक्ट वे में उसको यूज़ कर पाएंगे, और AI या ऑटोमेशन को अगर हम अगर सोचे तो डेफिनेटली एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट में लो लेटेंसी के साथ हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और डेफिनेटली हमारा फीचर्स भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये टॉपिक लाया और हमें इतना कुछ डीप में बताया, एंड ओवर टू यू नगमा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्ञेश सर, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और जो आपने एड ऑन किया है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तो सिग्नल्स के समंदर से घिरे हुए हैं, उसी के बीच में रहते हैं, और स्टार्टिंग में कुछ सुनने को मिले थे इसके ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स, बट अभी जिस तरीके से R&D के बताया गया है कि R&D चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो ज़रूर उस पर भी वर्क किया जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर वीरू सागर सर। यस वेलकम मिस्टर वीरू सागर सर। मिस्टर वीरू सागर सर, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, और हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर मनमोहन सिंह सर। यस वेलकम मिस्टर मनमोहन सिंह सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनम्यूट करने में इश्यू आ रहा है। मिस्टर अमित बाजपेयी सर, बहुत आसानी से हो रहे हैं। यस वेलकम सर, आप अपना फीडबैक। थैंक यू मैम, अवसर देने के लिए धन्यवाद आपका। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
जैसा कि अभी 5G तकनीक पर हमारे मुकेश सागर सर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। देखिए स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जो चल रही हैं अभी भारत में ज्यादातर आने वाली हैं, और उनमें काफी जैसे 3D तकनीक आ रही है, 3D प्रिंटिंग से घर बनाने का, इसमें इन सब चीजों का बहुत अहम रोल होने वाला है। अगर 5G तकनीक अगर स्पीड विलंबता जिसे कहते हैं शून्य कर देगी, वो अगर विलंबता शून्य होगी तो हम बहुत अच्छे से इन चीजों को कर पाएंगे। जैसे कि हमारा वो कनेक्ट है, अभी हम 4G पर हैं, फिर भी हमें कभी कभी नेटवर्क गैपिंग रहता है, तो चीजें या वॉइस हमारी स्लो हो जाती है, तो वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और अभी जिनके पास है वो इसका एंजॉय ले रहे हैं। बट सर आपने बहुत अच्छा हमें इस चीज का नॉलेज दिया, थैंक यू सर, सीखने सिखाने के लिए यहाँ पर हम बने हैं, थैंक यू आपका, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अमित बाजपेयी सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। और आपने सही कहा कि सीखने और सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, तभी यहाँ पर हमारा जो सेशन होता है, ताकि किसी को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आज जो भी सिनारियो चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात की जाती है, जिससे हम अपने बिजनेस में और चीज़ों को ईजी वे में समझ सकें और वहाँ से बेनिफिट ले सकें। तो मुझे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना हैंड रेज करें, क्योंकि यहाँ पर सभी के कैमरे जो हैं वो ऑफ है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन अनम्यूट कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम आज के इस सेशन को यहीं पर क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। मुकेश सागर सर, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो मोस्ट वेलकम। नहीं मैम, मुझे ने बस इतना ही बोलना है कि हमारे आज की डेट में हम कुछ भी सोचें, अगर कुछ भी कोई भी टेक मतलब कुछ भी किसी भी फील्ड के बारे में सोचेंगे ना, वहां पर हमको इंटरनेट की स्पीड जो ये है 5G, जब भी यहां पे आ जाएगा तो बहुत सारी चीजों में और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। इवन हमें तो अभी आज की डेट में ऑन पैसिव के बारे में, शायद हमें ओकनेट के बारे में पता है, बाकी और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारा ओ एकेडमी है या फिर और भी बहुत ज्यादा, जिसमें हमें जैसे अभी ऑलरेडी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम लोग जब करते थे तो बहुत सारी जगह ओपन नहीं होता था, नेटवर्क नहीं है, स्लो नहीं है, लेकिन इस टाइप की चीजें आ जाएंगी ना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और स्टार्टिंग में डेफिनेटली कॉस्टली होती है चीजें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है स्टार्टिंग में हमेशा कॉस्टली होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर स्टार्टिंग में 3G लगा लो या स्टार्टिंग में जो 2G पे भी नया टावर आया था तो कितना कॉस्टली हुआ करता था 2G 3G, आज की डेट में तो इंडिया में तो नेट इवन 5G भी स्पीड वही रहेगी, आपके पास वही प्राइस रहेगा, ऐसा नहीं कि 5G कुछ डिफरेंट रहेगा, बस ये है कि डेटा बहुत जल्दी, क्योंकि आप डाउनलोड लगाओगे कुछ भी वीडियो देखोगे आपको कोई बफरिंग नहीं होगी, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं, डेटा जल्दी खर्च हो जाएगा। तो एनीवे जो भी आएगी टेक्नोलॉजी उसका रेट हमेशा प्राइस हमेशा डाउन टाइम के बाद होते रहते हैं, और आने वाले टाइम में बिना इसके आई थिंक हमारा कुछ वो होगा ही नहीं, आई मीन वर्क ही हम कर ही नहीं सकते इसके बारे में। और ऑन पैसे में स्पेशली ऐसे होने वाला है कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट ऐसे होने वाले हैं जो हमको जिनका हम शायद हमें नाम भी नहीं पता, ऐसी चीजें भी आने वाली हैं जो आई थिंक हर एक कंपनी है जिसको लगता है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सोच के बना रहे हैं कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी इस टाइप की आएगी तो हम इसको और बेटर कर सकते हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं बहुत सारे टॉपिक अभी लेता हूँ, तो वो जनरली हाफ अभी चल रहे हैं और हाफ, जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया या फिर आपका 3D प्रिंटिंग हो गया या ये हो गया, ये अभी मतलब दो चार पांच साल से चल रहे हैं और इसमें ऑलरेडी R&D चल रही है, आने वाले टाइम में शायद 2030 तक देखेंगे तो हमारे ये आसपास बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी चीज होगी हमारे लिए। यस, ओवर टू यस। यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मुकेश सागर सर आपके एड ऑन के लिए। बिल्कुल, अभी आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम इसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हमारी सारी चीज़ें जो है बहुत ईजी होने वाली है, और स्पेशली जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे चलकर 5G की। बिल्कुल, तो आज का ये वंडरफुल सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं, जहाँ पर हम सभी ने 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे ही आप सभी बने रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर होती है, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है और हमारे इस बिजनेस में भी काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, सभी का शुक्रिया। जितने पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का भी शुक्रिया, या जो भी इसे बाद में देखेंगे आप सबका भी शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपने स्लोगन के साथ आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, गुड नाइट। वी आर सो इन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड नाइट।